अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ज़िशान उस्मानी है और इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ माउंट एवरेस्ट के साए में। बात हो रही थी, दोस्त ने सवाल पूछा कि आगे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं और किन टेक्नोलॉजीज पे मैं आगे काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मुझे पता है, आगे फ्यूचर की तीन टेक्नोलॉजीज बहुत अहम हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डेटा साइंसिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत अगले 10 सालों में दुनिया में 600 से 800 मिलियन जॉब्स ख़त्म करेगी। सारी चीज़ें RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे चली जाएंगी और जो काम हम कर रहे हैं, जो मंडेन टास्क होते हैं, उसके लिए बंदों की जरूरत नहीं रहेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेके इंडस्ट्री से लेके किचन से लेके ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग यहाँ पर भी हो सकती है, जो भी रिपीटेटिव प्रोसेस है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई 800 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी करेगी। ग्लोबल लिटरेसी इसको हम कहते हैं उस बंदे के लिए जो अपना नाम अपनी जुबान में लिख सके। इस डेफिनेशन को चेंज करके अगर हम ये कर लें कि बंदा जो प्रोग्रामिंग के अंदर कोड कर सके, तो ग्लोबल लिटरेसी 86% से डाउन होकर 3% रह जाएगी। तो आगे अगर आपने बढ़ना है, आगे आपने जॉब करनी है और आप मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, तो इन तीन में से किसी एक फील्ड का इंतखाब कर लीजिए। कम से कम ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, क्रिप्टो करेंसीज, दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत, तीसरी डेटा साइंसिस। तो डेटा साइंसिस के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। डेटा साइंसिस के अंदर विजुअलाइजेशन है, मशीन लर्निंग है, बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, कोर एल्गोरिथम्स डेवलपमेंट है, टूल्स को यूज़ करना है। इसके ऊपर हम आगे इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। आप जो भी सवाल हो आप मुझे भेज दीजिएगा। डेटा साइंस, AI, ब्लॉकचेन तीनों मेरी फील्ड्स हैं और हम कोशिश करके छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको गाइड करते रहेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान उस्मान। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.